हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अनदर एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि रेडमी 8A डुअल, रेडमी 8A और रेडमी 8 सीरीज के लिए हमें बहुत कमेंट आ रहे थे कि इन डिवाइसेस को फास्ट चार्जर कैसे किया जाए, फास्ट चार्ज कैसे किया जाए, ये बहुत स्लो चार्ज होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि रेडमी 8A डुअल हमारा जो है वो 439 प्रोसेसर पे आता है, जिसमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है फोन के साथ। बट फोन के बॉक्स में हमें 10 वोल्ट का ही सिंपल चार्जर मिलता है। और आप चाहते हो कि इसको और इंक्रीज कर दिया जाए इसकी चार्जिंग स्पीड को, तो आप मार्केट से 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर खरीद कर इसके साथ यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं खरीदना चाहते और या आपने खरीद भी लिया है तो भी आपका चार्जिंग स्लो है, तो आपको मैं कुछ ऐसे एप्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप इन डिवाइसेस की चार्जिंग को बूस्ट कर सकते हो। तो जैसे आप हमारे इस साइड में स्क्रीन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा, वहाँ पे आपको फास्ट चार्जर लिख के सर्च करना होगा। तो यहाँ पे कितने सारे ऐप आ जाएंगे, फास्ट चार्जर, बूस्ट चार्जर, फास्ट चार्जर कैम। तो आपको फास्ट चार्जर का एक जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद उसे आपको ओपन करके फिर आपको चार्ज करना है फोन को, जिससे आपको 30% आपको फास्टर चार्ज मिलेगा और इन डिवाइसेस को जल्दी से जल्दी आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा एक्सपीरियंस करेंगे तो इसमें हमने 10-20% हमें फास्ट चार्जिंग मिलता है और हमें इसे जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर आपको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और रेडमी 8A डुअल डिवाइस को जल्द ही एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाला है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का लिंक ऐड कर देंगे, आप वो वाला वीडियो जल्दी देख लेना, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। और इस तरह की और अपडेट और बैटरी के संबंधी वीडियो देखने के लिए, रेडमी 8A डुअल डिवाइसेस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।